ध्यान से बच्चों, हमने एक समतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब की आकृति और उसकी स्थिति के बारे में जाना। अब मान लीजिए हमारे पास दो दर्पण हैं। उन दोनों से किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा ये देखते हैं। यदि दोनों दर्पणों को हम किसी कोण में रख देते हैं और उनके बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों दर्पणों में आपको प्रतिबिंब नजर आएगा। बच्चों, आप कभी अजूबा घर गए हैं? अजूबा घर में जो एक कमरा होता है जो पूरे दर्पणों से बना हुआ रहता है, और जब आप उस अजूबा घर में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि ढेर सारे दर्पण लगे हुए हैं और आपको ढेर सारा प्रतिबिंब नजर आता है, और उस समय पहचानना मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति वास्तव में कौन सा है, क्योंकि सारे प्रतिबिंब तो एक जैसे नजर आते हैं। तो हमको लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे दर्पण होंगे, पर जरूरी नहीं कि वहाँ पर बहुत सारे दर्पण होंगे। दो दर्पणों की सहायता से भी बहुत सारे प्रतिबिंब को निर्माण किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों दर्पणों के बीच में कोण कितना बन रहा है। किसी कोण पर रखे गए दो समतल दर्पण के द्वारा एक वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निर्भर करती है सूत्र पर। ये सूत्र है 360/θ-1, जहाँ पर थीटा दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि दोनों दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रखा गया है और उसके बीच में एक वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? हम 360/90-1 लिखेंगे, यानी कि 4-1, तो यहाँ पर टोटल 3 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। आप कभी किसी ट्रायल रूम वगैरह में जाएंगे, हम जनरली मॉल वगैरह में कपड़े खरीदते हैं तो ट्रायल रूम होता है, वहाँ पर आप दो दर्पण देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे रहते हैं, आप उनके बीचों बीच खड़े हो जाइए और वहाँ पर आप देखिएगा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आप इस दर्पण में भी दिखाई देंगे, आप इस दर्पण में भी दिखाई देंगे और दर्पण के बीचों बीच भी दिखाई देंगे। लेकिन मान लीजिए ये कोण और कम कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा बराबर मैं 60 लेती हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा 360/60-1, मतलब 6-1 यानी कि 5। तो इन दोनों दर्पणों से सिर्फ कोण कम करने पर प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हो गई 5, मतलब अब आपको 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। और इसी प्रकार यदि आप कोण और कम कर देते हैं, मान लिया अब 40 डिग्री कोण ले रहे हैं, तो सूत्र अनुसार 360/40-1 यानी कि 9-1, तो टोटल आपको 8 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दर्पणों के बीच के कोण को घटाते जाने पर प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मान लीजिए ये दोनों ही दर्पण 0 डिग्री कोण पर रखे हैं। 0 डिग्री कोण पर मतलब ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। तो सूत्र अनुसार 360/0-1 लिखेंगे। किसी भी चीज़ को 0 से यदि हम भाग देते हैं तो वो अनंत होता है, तो अनंत माइनस वन यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। और इसको आपने एक्सपीरियंस भी किया है, यदि आप बार बार शॉप में जाते हैं, आपने देखा होगा उसके एक दीवार पे भी दर्पण रहता है, उसकी दूसरी दीवार पे भी दर्पण रहता है, और यदि आप बीच में बैठे हैं और आप सामने वाली दर्पण को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर इस प्रकार दिखाई देता है, और आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ढेर सारा प्रतिबिंब होता है और धीरे 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 वो प्रतिबिंब छोटा होते जाता है। और यूँ कह सकते हैं कि जब दोनों दर्पण एक दूसरे के सामने रहते हैं तो अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अब आप कभी भी दुकान में जाते हैं अपना बाल कटवाने के लिए, तो ज़रूर इस बात को नोटिस करिएगा। बच्चों, अभी तक हमने जो परावर्तन के ऊपर चर्चा करी, उसमें ये जाना कि प्रकाश के मार्ग में यदि हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश उससे टकराती है और वापस लौट जाती है, यानी कि अपारदर्शी माध्यम या वस्तु उस प्रकाश को रोक लेता है। लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी माध्यम रख दिया जाए, पारदर्शी वस्तु जैसे कि पानी, कांच, तो क्या होगा?
चूंकि ये माध्यम पारदर्शी है, प्रकाश इसमें से पार हो जाएगी। मान लीजिए हम एक कांच के बीकर में पानी लेते हैं और एक पेंसिल लेते हैं। इस पेंसिल को यदि इस कांच के बीकर में रखे हुए पानी में डुबा दिया जाए तो क्या होगा? चूंकि पानी जो है वो पारदर्शी माध्यम है, पेंसिल इस पानी के अंदर डूबने के बाद उसमें से जो किरणें हैं वो इस पानी से पार होकर आपकी आंखों तक पहुंच जानी चाहिए, यानी कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल आपको दिखाई देना चाहिए। और पानी में डूबा हुआ पेंसिल आपको दिखाई भी देता है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप पेंसिल को पानी में डुबा देते हैं तो ये पेंसिल मोड़ा हुआ नजर आता है। हमने एक सीधी पेंसिल ली थी, लेकिन जब इसको हमने पानी में डुबा दिया, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम में डुबा दिया, और उसके बाद जब हम इसको देख रहे हैं तो ये पेंसिल हमको मुड़ी हुई नजर आ रही है। तो क्या इस पानी में जाने के बाद पेंसिल मुड़ जाती है? पेंसिल तो नहीं मुड़ती होगी। फिर वहां पर ऐसा क्या होता होगा कि पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है? यदि आप स्विमिंग पूल जाते होंगे तो पानी से भरे हुए स्विमिंग पूल को यदि हम देखते हैं तो उसकी तली हमको उठी हुई नजर आती है। उसकी तली हमको उठी हुई क्यों नजर आती है? ये दोनों ही उदाहरण प्रकाश से जुड़ी हुई एक घटना पर आधारित है। पहले वाले उदाहरण में हम देखते हैं जहां पेंसिल को हमने पानी में डुबा दिया था, अब जो प्रकाश इस पेंसिल से आ रहा था इस पानी से गुजरते हुए, वो जैसे ही पानी की सतह पर आता है, यहां पर दो माध्यम हो जाते हैं, एक तो वायु और दूसरा पानी। इसी सतह में ही प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, और मुड़कर जब वो हमारी आंखों पर पहुंचती है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो पेंसिल मुड़ी हुई हो। दूसरी स्थिति में हमने देखा कि स्विमिंग पूल की जो तली है वो ऊपर की ओर उठी हुई नजर आ रही है, तो उस तली से भी जो प्रकाश पानी से गुजरते हुए ऊपर आता है, जैसे ही सतह पर पहुंचता है, उस सतह पर भी प्रकाश मुड़ जाती है, और मुड़कर जब हमारी आंखों में पहुंचती है तो प्रकाश की तली हमको उठी हुई नजर आती है। और प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये प्रकाश अपने मार्ग से क्यों विचलित हो जाती है? क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। हम जानते हैं प्रकाश निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यह निर्भर करता है उसके प्रकाशिक घनत्व पर। अलग अलग प्रकाशिक घनत्व के माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके चाल में अंतर आ जाता है, और इस चाल में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, यानी कि अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पारदर्शी माध्यम रखा है और यहाँ पर यह प्रकाश किरण अपतित हो रही है। इस किरण को हम अपतित किरण ही कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण सतह पर आपतित हो रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर इस सतह के लंबवत एक रेखा खींची जाए, उस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब, और यहां पर होती अपवर्तन की घटना। और प्रकाश की किरण जब इस पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, और इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। जो कोण अभिलंब और अपतित किरण के बीच में बन रहा है उसे हम कहते हैं अपतन कोण, और इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट आई से दर्शाया जाता है, स्मॉल लेटर आई से। और जो कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर अल्फाबेट आर से दर्शाया जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर
प्रकाश की किरण किस प्रकार मुड़ती है या अपवर्तन की घटना कैसे होती है, इसको हम एक लेजर लाइट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए हम एक लेजर लाइट लेंगे ग्रीन कलर की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट है, और एक ग्लास स्लैब लेंगे यानी कि कांच का गुटका। हम देखते हैं कि इस लेजर लाइट का रास्ता हवा में एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही इसको ग्लास स्लैब पर डाला जाता है इसका रास्ता चेंज हो जाता है और ये मुड़ते हुए इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है। इसका मतलब जब ये लेजर की किरण जब इस ग्लास स्लैब से पार होती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। हवा को हम विरल माध्यम कहेंगे जबकि ग्लास को हम सघन माध्यम, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ग्लास स्लैब में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसी कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब किरण ग्लास स्लैब में बैंड होने के बाद ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो इस किरण को हम निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, और जो कोण अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी कि निर्गत कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ग्लास स्लैब में देखा कि जब प्रकाश की किरण इससे पार हो रही थी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। यदि हम प्रकाश किरण के पहले के मार्ग को देखें, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये किरण सीधे सीधे आगे की ओर बढ़ जाती, लेकिन ग्लास स्लैब की उपस्थिति में ये बैंड हो गई है और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। लेकिन इसके मार्ग की दिशा इस ग्लास स्लैब से निकलने के बाद अब भी वही है जो पहले थी, सिर्फ इसमें शिफ्ट हो गया है। इसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं या फिर पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने जाना कि प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी तो वो अभिलंब के पास झुक रही थी, लेकिन जब वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही थी तो अभिलंब से दूर झुक रही थी। और अपवर्तन की यह घटना कुछ नियमों पर आधारित है। अपवर्तन का पहला नियम, अपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन आर, इसका अनुपात एक नियत राशि होती है, और इस नियतांक को हम कहते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम दर्शाते हैं म्यू से, तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। और इस अपवर्तन का पहला नियम स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नियम को वैज्ञानिक स्नेल द्वारा दिया गया था। यानी किसी भी स्थिति में हम देखें, चाहे विरल से सघन में आए चाहे सघन से विरल में प्रवेश करें, अपवर्तनांक एक नियत राशि होती है जो कि अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात है। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, पर अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्षिक अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक अनुपात होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का। यानी कि हम कंपेयर करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल से, और ये जो राशि नियत हमें प्राप्त होती है ये कहलाता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसे हम सी से दर्शाते हैं, और वायु में प्रकाश की चाल को हम वी से, तो म्यू बराबर होता है सी अपॉन वी। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से होते हुए किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, उस कंडीशन में हम एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से कर रहे हैं, और उस समय जो अपवर्तनांक होता है वो सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दो माध्यमों की तुलना की गई है। यहाँ पर हम देखें, मान लीजिए प्रकाश कांच से निकलकर पानी में प्रवेश कर रही है या पानी से निकलकर कांच में प्रवेश कर रही है,
यहाँ पर दो अलग अलग पारदर्शी माध्यम है, कांच और एक पानी। उस समय हम यहाँ पर प्रकाश की चाल की तुलना इन दोनों माध्यमों में करेंगे और इसीलिए यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक एक माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। पर इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पर हम देखें कि अपवर्तनांक को हम एक स्पेशल चिन्ह से डिनोट करते हैं जिसे म्यू कहते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग माध्यम हैं, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। मान लीजिए मुझे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष, तो मैं लिखूंगी 1μ2। तो ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा पहले माध्यम के सापेक्ष, या फिर इसे ऐसा भी लिखा जाता है μ2 1। अगर μ2 1 भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है ये किसका अपवर्तनांक होगा, दूसरे वाले का, और किसके सापेक्ष होगा, पहले वाले का। मतलब जो जस्ट म्यू के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है हम उसी का ही अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, और उसके पीछे यदि कुछ लिखा जाता है या उसके सामने लिखा जाता है मतलब उसके सापेक्ष में हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पानी और कांच है, आपको ज्ञात करना है कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। कांच के लिए यानी कि ग्लास के लिए हम जी लिखेंगे, पानी के लिए वाटर के लिए हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक होगा μg। आप पानी के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो आप चाहे तो डब्ल्यू इधर भी लिख सकते हैं तो μgw हो जाएगा, या फिर आप wμg भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये नोटेशन कांच का अपवर्तनांक बताएगा पानी के सापेक्ष। यदि आपको पानी का अपवर्तनांक निकालना हो कांच के सापेक्ष तो आप लिखेंगे g μw या फिर μwg। और इस प्रकार μ2 1 बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश का चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम की चाल को हम नीचे लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो μ2 1 बराबर होगा v1/v2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं यदि c से भाग दे दूं, c यानी कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, सिर्फ इसे हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो μ2 1 बराबर होगा v1/c और ये व्युत्क्रम में है तो मैं इसे गुणा में लिखूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा into c/v2। ये c/v2 यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये कहलाएगा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे मैं दर्शाऊंगी μ2 से, लेकिन ये v1/c है यानी कि ये अपवर्तनांक का व्युत्क्रम के रूप में लिखा गया है तो इसे मैं लिखूंगी 1/μ1, जहां पे μ1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। मतलब वहां पर हम देख रहे हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्वात से कंपेयर किया गया होगा तो वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। क्योंकि ये व्युत्क्रम के रूप में लिखा गया था इसलिए मैंने यहाँ पर 1/μ1 लिखा। तो इस तरीके से μ2 1 बराबर हो जाएगा μ2/μ1। तो यहाँ पर ये सूत्र जो है वो अपवर्तनांक के रूप में है यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के टर्म्स में लिखा गया है। तो μ2 1 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी माध्यम के सापेक्षिक अपवर्तनांक को हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। μ2 1 बराबर v1/v2 होगा बराबर μ2/μ1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि हम वेग के रूप में लिखे हैं यानी कि चाल के रूप में लिखे हैं तो यहाँ पर पहले वाले माध्यम का चाल ऊपर आया है, दूसरे माध्यम का चाल नीचे आया है डिनोमिनेटर में। लेकिन जब हम लोग इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखते हैं तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर है और पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे है। तो इस प्रकार आंकिक प्रश्न जब आते हैं आपको एग्जाम में तो इन दोनों में से किसी भी
एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रश्न में दिया गया है उसके आधार पर। तो चलो इस आधार पर हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हल, हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया गया है पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक है 4/3 और हमें पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें निर्वात में प्रकाश की चाल की आवश्यकता होगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। अब पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तो पानी में प्रकाश की चाल v बराबर हम ज्ञात करेंगे। पानी में प्रकाश की चाल v बराबर हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल / माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा इसके बारे में हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल / पानी में प्रकाश की चाल। तो अब हम इसमें इस संबंध में पानी का अपवर्तनांक का मान और निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे तो हल करके हम पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम पानी के अपवर्तनांक की बात करें तो उसे हम एन डब्ल्यू से दिखा सकते हैं और इसके बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल सी से और पानी में प्रकाश की चाल को हम दिखा सकते हैं वी डब्ल्यू से। तो अब हम इनका मान रखते हैं। पानी में अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक 4/3, प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो है 3×10^8 और पानी में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसे हल कर लें तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर हमको मिलेगा 3×10^8/4। इसको हल करने के लिए ये हो गया 9×10^8/4 और हमें इसका उत्तर मिलेगा 2.25×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ पर हमें दिया गया है जल का अपवर्तनांक जो है 1.33। इसी प्रकार कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
यानी कि डब्ल्यू एन जी, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डब्ल्यू एन जी बराबर क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक यानी कि एन जी बटे एन डब्ल्यू। क्योंकि हमें इनके मान दिए गए हैं तो हम इनका मान रख सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक है 1.5 बटे जल का अपवर्तनांक है 1.33। तो इसको हल करने से हमें मिलेगा 1.13 लगभग। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.13 लगभग। इसी प्रकार अब हम ज्ञात कर सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, जी एन डब्ल्यू बराबर, जी एन डब्ल्यू क्या होगा, जिस प्रकार हमारे पास यहाँ पर अपवर्तनांक था जल के सापेक्ष कांच का, इसके लिए कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। तो अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए होगा जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। चलिए आगे हल करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि जी एन डब्ल्यू बराबर, पहले हम लेंगे जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक है 1.33 बटे कांच का अपवर्तनांक जो कि दिया गया है 1.5। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.89 लगभग। तो इस प्रकार कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हुआ 0.89 लगभग। अब हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि हमने ज्ञात किया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि डब्ल्यू एन जी, और ये है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि जी एन डब्ल्यू। यदि हम इनका गुणा करें तो इनका मान हमने लिखा था एन जी बटे एन डब्ल्यू गुणित, ये कितना हो जाएगा, एन डब्ल्यू बटे एन जी। इसे हल करने पर हमें मिल रहा है 1 यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 मिल रहा है। इसे हम यदि जल को पहला माध्यम और ग्लास को दूसरा माध्यम मान लें तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1N2 गुणित 2N1 बराबर 1। यदि इस संबंध को हम शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणित माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर 1। अब हम इस संबंध को और कैसे लिख सकते हैं, 1N2 बराबर होगा 1/2N1 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो चलिए इस निष्कर्ष को हम लिख लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि 1N2 बराबर हमें मिला है 1/2N1 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक
माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। होता